चारण। टुडे हम दिस वीडियो को अनन्या पांडे जो कि चंकी पांडे जी की बेटी हैं, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि उनका क्या दिखा रहा है इसमें ड्रग केस में, जिस तरह का उनका जो मामला आया है केस में, तो उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनका फ्यूचर क्या है, इनको इनको जो है कितनी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, क्या ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगी, ये सब कुछ वो देखना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेल किया हुआ है, मेल के थ्रू मैं इसमें उनका प्रश्न ले रही हूँ, क्वेश्चन ले रही हूँ। अनन्या पांडे का फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ, एक जनरल में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरे आस पास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अनन्या पांडे जो कि ड्रग केस में अभी पूछताछ उनके साथ हो रही है, चंकी पांडे जी की बेटी हैं वो, अनन्या पांडे कई एड्स में, कई फिल्मों में या कई जगह वो आ चुकी हैं, तो मैं जानना चाहूँगी और कई लोग पूछ रहे हैं कि अनन्या पांडे जी का क्या फ्यूचर में दिखा रहा है, फ्यूचर में उनकी क्या प्रेडिक्शंस निकल के आ रही हैं और क्या होगा उनके साथ। एक जनरल क्वेश्चन में पूछ रही हूँ अनन्या पांडे जी के लिए। यहाँ पे शुभ हो रहा है कि इनके साथ जो अगर मैं बात करूँ तो जो कोई भी इश्यूज जो इनके पुराने जो जो कि बहुत ही स्मूथली स्टॉप हो सकते थे, ये खुद अपने आप उसको बहुत स्मूथली स्टॉप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो भी इनके लाइफ में अभी चल रहे हैं, उसमें ऑब्स्टिकल उसको ऑफ करने में, उसको बंद करने में स्मूथली उनको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े हुए हैं इस वक्त, उनको थोड़ा सा डोमिनेंस झेलना पड़ रहा है। डोमिनेंस दैट मीन्स कि जैसे होता है ना डोमिनेट नेचर किसी का जो है वो उनको फेस करना पड़ रहा है, और उनकी जो शांति है लाइफ में, जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, वो चाहती है कि मैं एक शांत जगह पे चली जाऊँ या बैठूँ आराम से, वो नहीं हो पा रहा। और पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला कार्ड है, दैट मीन्स कोई अपना ही जना उनको चीट कर गया है, और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि कोई ऐसा जना है जो कि उनके बहुत क्लोज है और सारी बातें जानता है, तो पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला मतलब ही होता है कि चीट करना किसी पर्सन से। इनका जो ये लास्ट कार्ड शो कर रहा है कि ये जो भी इनके इश्यूज चल रहे हैं वो दोबारा से जो है अगेन यहाँ ये शो हो रहा है कि वो व्यक्ति दोबारा से इशू विवाद खड़ा करके या अपना काम करके जो भी उसको करना है वो करके वो अपना वापस चला जाएगा, यानी जैसे किसी को मंशा है कि वो चीट करे अनन्या पांडे के साथ, तो वो अपना काम करके चला जाएगा, ये यहाँ बहुत साफ मैसेज आ रहा है। मैं इसमें और आगे देखना चाहूँगी कि उनका फ्यूचर में अगर मैं जानना चाहूँ, कई लोग जानना चाहते हैं, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अनन्या पांडे जी जो कि चंकी पांडे जी की बेटी हैं, उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या निकल के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देखना चाहूँगी क्या मैसेजेस हैं, फ्यूचर उनके साथ क्या होगा अनन्या पांडे जी के साथ, अनन्या पांडे जी के साथ फ्यूचर में क्या होगा ये मैं देखना चाहूँगी। यहाँ ये शो हो रहा है कि अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पे इस वक्त वो अपनी यहाँ फ्यूचर में इंटेलिजेंसी, उनकी जो जो इंटेलिजेंसी के साथ उनको काम करना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए, वो शायद वो थोड़ा सा नहीं कर पाएंगी, और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि कोई जना उनको परेशान करना या अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करना या नुकसान पहुँचाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, तो उनके जो भी उन्होंने अभी जो मैंने बताया कि जो भी इश्यूज थे, विवाद जो चल रहा है, प्रॉब्लम जो दिखा रहा है उनकी लाइफ में, वो उसकी वजह से उनको हार्म पहुंच सकता है, तो इसलिए वो ये बहुत प्लान कर रही है कि मैं यहाँ किसी तरीके से भाग जाऊं या चली जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, उनका झगड़ा दिखा रहा है, फाइटिंग दिखा रहा है और गुस्सा बहुत दिखा रहा है उनका, ये चीज़ यहाँ नेचर में शो हो रही है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, वो चाह रही है कि मेरे साथ जस्टिस हो, उनके साथ जो है वो न्याय हो, वो बचना चाह रही है शायद, फ्यूचर में यहाँ ये शो भी हो रहा है, लेकिन उनको इंसल्ट झेलनी पड़ सकती है,
और इंसल्ट का कार्ड है, लास्ट में इंसल्ट झेलनी पड़ सकती है फ्यूचर में। मैं इसमें और देख लेती हूँ कि इसमें क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि फ्यूचर में और क्या होगा अनन्या पांडे जी के साथ। फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस में लोग देखना जाना चाहते हैं कि और क्या उसमें फ्यूचर में शो हो रहा है इनका। इनको यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच रही हैं और केवल सोचती रह जा रही हैं और काम कुछ नहीं हो पा रहा, सक्सेस नहीं मिल पा रही है। कि इस वक्त इंट्यूशन इनको शांत, जैसे यहाँ पे कार्ड दिखा रहा था कि इनको शांति से बैठ करके सोचना चाहिए, लेकिन वो माहौल नहीं मिल पा रहा और इनकी इस वक्त इंट्यूशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ मतलब सही है ये नहीं जान पा रही हैं। और कोई ऐसा बॉय है, कोई ऐसा जो है इनके साथ है, लव का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स ये बॉय जो जो इनके फ्रेंड सर्कल में ही कोई जना है जिसके साथ इनका प्रेम संबंध दिखा रहा है, और इनका जो है ये कोई सपोर्ट करने वाला है, फ्रेंड सर्कल में कोई होगा जो इनको चाहता होगा। और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि थर्ड टू थर्ड फर्स्ट पर्सन की एंट्री दिखा रहा है फ्रेंड सर्कल में। कुछ बातें लीक हो गई हैं फ्रेंड सर्कल में और वो उसकी वजह से परेशानी हो रही है, और वही थर्ड टू थर्ड पर्सन जो है अब वो विन कर रहा है अपनी जो बातें थी इन दोनों के बीच में, ये उसने पता कर ली है और वो अपना जो है वो गेम खेल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है कि वो विन भी कर चुका है, काफ़ी हद तक उसने विन कर लिया है एज अ थर्ड टू थर्ड पर्सन की एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है इनके और इनके उस बॉय के बीच में जिससे ये दोनों प्यार करते होंगे। तो इंट्यूशन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, सब चीज़ें ड्रीम की ड्रीम ही रह गई हैं, इनकी करियर हो चाहे जो जो भी सोच रही हूँ अपने लाइफ में करने के लिए। तो यहाँ पे मैसेजेस आपको मिल गया होगा कि क्या शो हो रहा है अनन्या पांडे जी के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।